हे फूडीज, वेलकम टू पूजास फूडेबल चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मटर पनीर रेसिपी, जो कि घर पर आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मटर पनीर बनाया है, कम मसालों में, और फिर भी स्वादिष्ट बहुत लगता है ये। आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, किसी के साथ भी खा सकते हैं इसे, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट बना है ये मटर पनीर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मैंने, देखते हैं इसे। मैंने यहाँ पर मटर लिया है 250 ग्राम, चार टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं 5 से 6, दो तीन लहसुन की कलियाँ, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, और हींग MDH के लिए है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर खड़े मसालों में जीरा लिया है 1 चम्मच, दो लौंग, काली मिर्च 4-5, और तेज़पत्ता, और मसाले लिए हैं नमक, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये मैंने घर पर ही पनीर बनाया था, उसको पीसेस में काट लिया है मैंने। ये मैंने क्रीम ली है बाहर की, आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं घर की। ये पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस भी लिया है, मैं इसे ऊपर से डालूंगी क्रीमी बनाने के लिए। ये खड़े मसालों को हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का गरम करेंगे, ज़्यादा नहीं, कलर चेंज नहीं हो करने देंगे हम। हल्का सा फ्राई कर लिया है हमें, अब इसे हम क्रश कर लेंगे। देखिए इसका पाउडर बना लिया है, इसे हम मसाले को हम ऊपर से डालेंगे सब्जी में। मैंने पैन ले लिया है, इसमें सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है हमने, गरम हो गया है तेल, हींग डाल दिया है, तेज पत्ता डाला है, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे हल्का सा। हमने जो प्याज का पेस्ट बना लिया था उसको डालेंगे, फ्राई करेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हम कर देंगे। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलरिंग के लिए। गरम मसाला डाल दिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है अगर हम प्याज में गरम मसाला को भूनते हैं। ये टमाटर ऐड के पेस्ट ऐड कर दिया है हमने, इसको भी चलाएंगे, फ्राई करेंगे, इसकी अच्छी ग्रेवी बन जाए। तब तक नमक डाला है मैंने, इसमें हल्दी डाल दी है, सारे मसाले जो हमने दिखाए थे सब डाल दिए हैं एक साथ। ये देखिए ग्रेवी बनने स्टार्ट हो चुकी है, बहुत अच्छा कलर आने लगा है। चलाएंगे, थोड़ा तेज आंच कर लेंगे ताकि अच्छे से जल्दी पक जाए। ये हमने जो क्रश किया था पाउडर खड़े मसालों का, वो हमने डाल दिया है इसमें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, बहुत ही सिंपल मटर पनीर है ये, और बहुत स्वादिष्ट बना है। ये मटर ले लिए हैं हमने, धो लिए थे, फ्रोजन मटर हैं ये। इनको हमने डाल दिया है, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा हम डालेंगे ताकि पतला हो जाए थोड़ा।
मैंने कुकर का ढक्कन लगा कर इसमें 3 से 4 सीटी लगा दी थी और खोलने के बाद मैंने इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल दिया है। कलर बहुत अच्छा आता है इससे, आप चाहे तो टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं उसकी जगह पर। मैंने इसमें क्रीम डाली है, 2 चम्मच क्रीम डाली है इसमें, 3 चम्मच। ये देखिए बहुत ही क्रीमी पेस्ट बन जाता है, ये बहुत ही अच्छी गाढ़ा मटर पनीर बनने वाला है। ये देखिए मैंने पीसेस जो बनाए थे घर पर मटर पनीर के, वो मैंने डाल दिए हैं सब्जी में। बहुत ही अच्छा पेस्ट क्रीमी मटर पनीर बना है ये। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है, बन गए, रेडी हो चुका था। ऊपर से मैंने क्रीम भी डाल दी है, बहुत ही टेस्टी बना है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।